अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप यू एल फाइन सेफ एट योर होम क्लास टू ओपन योर बुक्स ऑफ एसिस पेज नंबर ट्वेंटी फाइव आई होप कि आप लोगों ने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा सो टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू लेसन जिसका नाम है और फेस्टिवल यानी कि हमारे त्यौहार आप लोग को पता है हमारे कौन कौन से त्यौहार होते हैं हमारे फितर, ईद अजहा उसके अलावा ईद नबी ठीक है आप लोगों ने याद रखना है तो पहला तो हो गया फितर यानी कि छोटी ईद जिसको हम लोग कहते हैं मीठी ईद तो आज हम पहले फितर के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद मैं आप लोग को ईद अजहा के बारे में बताऊंगी आप लोगों ने रमज़ान के बारे में तो पहले पढ़ लिया है तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमें रमज़ान के बाद तोहफ़ा मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से वो कौन सा तोहफ़ा है फितर का तोहफ़ा ठीक है सब मुसलमान खुशी से मनाते हैं ये त्यौहार तो हम लोग आज फितर के बारे में पढ़ेंगे लेट्स स्टार्ट और रीडिंग फितर उल फितर इज़ अ फीस डे फॉर मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के मतलब कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए ये फितर है ये एक त्यौहार है ठीक है दिस फेस्टिवल कम्स आफ्टर रमदान और ये कब आता है ये त्यौहार रमदान के बाद द इस्लामिक मंथ ऑफ फास्टिंग मतलब कि इस्लामी महीने के बाद जो रमज़ान का महीना होता है ना जिसमें हम रोज़े रखते हैं ठीक है उस महीने के बाद ये हमारा त्यौहार आता है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे में मिलता है इट्स अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग फॉर मुस्लिम्स दे फील हैप्पी एंड गिव थैंक्स टू अल्लाह फॉर बीइंग एबल टू फास्ट फॉर द होल मंथ वो कह रहे हैं कि इट्स अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग फॉर मुस्लिम के ये जो है खुशी का दिन होता है मुसलमानों के लिए और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं मुसलमान कि अल्लाह ताला ने उनको इस काबे समझा कि वो रमज़ान के रोज़े रखें और अल्लाह ताला की इबादत करें ठीक है उसके बाद है एट द एंड ऑफ रमदान पीपल गैदर ऑन देयर रूफ टॉप्स टू सी द न्यू मून इन द इवनिंग अब वो कह रहे हैं कि रमज़ान के, के आखिरी रोज़े में रमज़ान के एंड में कभी होते हैं उनतीस रोज़े ज़्यादातर तो उनतीस ही होते हैं मतलब कि ट्वेंटी नाइन होते हैं और बहुत कम होते हैं कि वो तीस होंगे तो जब आखिरी रोज़ा होता है जिस दिन आप सबको पता ही होगा कि शाम के वक्त मतलब कि मगरिब की नमाज के बाद सब अपने छतों पर चढ़ जाते हैं और चाँद देखने के लिए जाते हैं सब जब चाँद नजर आता है तो दुआ मांगते हैं सब खुश होते हैं ठीक है एक दूसरे से खुशी खुशी मिलते हैं कि सुबह हमारी ईद है इन द मॉर्निंग पीपल व्यर न्यू क्लोद एंड से ईद प्रेयर्स इन मस्जिद वो कह रहे हैं कि सुबह फिर जब शाम को तो वो चाँद नज़र आ गया अगली सुबह वो क्या करते हैं सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद में जा के ईद की नमाज अदा करते हैं ऑन द ईद डे पीपल मीट देयर रेलिटि एंड फ्रेंड्स और ईद के दिन लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं दे एक्सचेंज ईद ग्रीटिंग्स एंड सर्व टेस्टी स्वीट्स एंड मील्स टू देर गेस्ट और वो कह रहे हैं ईद की ग्रीटिंग्स मतलब कि ईद ही देते हैं आप लोग भी ईदी लेते हैं ना पैसे लेते हैं जो बड़ों से छोटे बच्चे लेते हैं तो ईदी हम लोग एक दूसरे को देते हैं एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद हम लोग ज़्यादातर मीठा बनाते हैं उस दिन नमकीन चीज़ कोई भी बनाए या ना बनाए खाना वगैरह वो तो होता है लेकिन मीठा जो है वो लाजमी बनता है स्पेशल होता है वो तो स्वीट डिशेज़ बनती हैं जो गेस्ट आते हैं उनको देते हैं खाना वगैरह खाते हैं फैमिलीस गो आउट टू सेलिब्रेट ईद टुगेदर और जो होती हैं फैमिलीज वो सब ईद को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं आप लोग भी जाते होंगे सब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत शौक़ होता है ईद पे बाहर घूमने फिरने का तो जाते हैं पार्क वगैरह में तो इस तरह ईद हम लोग गुजारते हैं अब नॉलेज सेंटर नॉलेज कॉर्नर में आते हैं किस में क्या बता रहे हैं वो द होली प्रॉफिट सल्ला वसम सेट देर आर टू डेज ऑफ जॉय फॉर मुस्लिम्स यहाँ पे दो दिन हैं मुसलमानों के ख़ुशी के लिए कौन से दिन हैं फितर एंड ईद अजहा फितर इंग्लिश में आप अदहा पढ़ेंगे और उर्दू में आप अजहा पढ़ेंगे ठीक है अरबी में भी अदहा होता है तो आप लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ना है तो प्यारे नबी का क्या फरमान है कि मुसलमानों के दो खुशी के दिन होते हैं मतलब कि दो त्यौहार एक ईद अजहा एक फितर तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि जिस दिन आप लोगों ने रीडिंग करनी है उस दिन की आप लोगों ने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है और इसको अच्छे से आप लोगों ने रीडिंग को प्रिपेयर करना है मैं आप लोग से क्लास में ये सुनूंगी ओके स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़ असलम क्लास टू क्लास आज का हमारा अनुमान क्या है अनोखा इनाम तो आप सब बच्चे पेज नंबर थर्टी एट ओपन करें क्लास आज हम सवालों के जवाब करेंगे जैसे आप सबको पता है कि हमने पहले दो सवाल कर लिए थे आज हम तीसरा सवाल करेंगे ठीक है तो तीसरा सवाल क्या है माही गिर ने बादशाह से क्या इनाम मांगा अब हम इसका जवाब लिखेंगे तो आप सब बच्चे भी ऐसे अपनी कॉपी रेडी करेंगे पहले अनुमान क्या है अनोखा इनाम सवाल क्या है माही गिर ने बादशाह से क्या इनाम मांगा इसका जवाब क्या है माही गिर ने कहा बादशाह सलामत मुझे दरबार में सौ जूते मारे जाए यही मेरा इनाम होगा ठीक है अगला सवाल क्या है बादशाह ने दरबान से क्या सलूक किया इसका जवाब क्या है बादशाह ने दरबान को पचास जूते लगवाए और महल से निकाल दिया ठीक है अगला सवाल क्या है इस कहानी से क्या सबक मिलता है इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दूसरों की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहिए और लालच का अंजाम बुरा होता है क्योंकि लालच बुरी बला है ठीक है क्लास हमने इस लेसन में क्या सीखा है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए और अगर कोई मजबूर है अगर आ, कोई जो है अपने फायदे के लिए काम कर रहा है तो हमें उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए ठीक है इसी तरह आपने ये तीन सवाल अपनी कॉपी पे लिखने हैं और याद करने हैं अल्लाह हाफिज़ वालेकुम क्लास हाउ आर यू आई होप यू आल आर फाइन क्लास टू आज हम क्लास uh, टू आज हम चैप्टर नंबर फ़ोर इसके अगला क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर नंबर फ़ोर यूजेस ऑफ कंप्यूटर इसकी हमने आधी एक्सरसाइज कर ली थी आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे ठीक है ना जी स्टूडेंट्स आज खोलें अपना पेज नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फाइव आज हम क्वेश्चन आंसर दी फॉलोइंग ठीक है ना क्वेश्चन आंसर करेंगे इनके आंसर लिखने आज राइट टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल्स वो कहना है कि आप टू यूजेस इस्तेमाल लिखिए कि कंप्यूटर जो है ना स्कूल में कैसे इस्तेमाल होता है ठीक है उसमें आपने टू बताने पॉइंट ठीक है टू यूजेस उसके लिखने राइट टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल्स अब इसका हम आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर ए राइट टू यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल स्कूल में कैसे कंप्यूटर यूज होते हैं कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल इन वो कह रहे हैं इस तरीके से यूज़ होता है टू मेक टाइम टेबल्स जो टाइम टेबल होता है स्कूल का उसको बनाने के लिए एंड सेकंड क्या है उन्होंने टू यूजेस का है तो हम सेकंड क्या है टू हेल्प इन टीचिंग जो टीचर होते हैं उनको टीचिंग फील्ड में टीच, उनको हेल्प करते हैं ठीक है स्कूल में अब इसके दो यूज हैं टू मेक टाइम टेबल्स टू हेल्प इन टीचिंग ठीक है ना ये आपने लिखने हैं यहाँ पे अभी बुक पे भी हम देखते हैं ये कैसे हेल्प करते हैं ये देखिए कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल टू मेक टाइम टेबल्स ये देखिए टाइम टेबल बना हुआ है आपकी कौन सी क्लास किस टाइम पे होगी कौन सी आपका पीरियड है कौन सा सब्जेक्ट है ये सारा इस टाइम टेबल में होता है ठीक है ना एंड सेकेंड हमने क्या किया था टू हेल्प इन टीचिंग ठीक है ना ये देखें टीचर पढ़ा रहे हैं सर पढ़ा रहे हैं तो इनको हेल्प कर रहा है ये कंप्यूटर स्टूडेंट को समझाने के लिए ठीक है ना ये कैसे बच्चों को लेसन अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं जी स्टूडेंट्स अब आपने ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये अपनी कॉपी पे लिखना है ठीक है ना इसके नोट्स बनाने आपके नीट कॉपी ही होमवर्क करना है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़